संजय नेहरा, गेट सरपंच भाई रविनाथ, हमारे असल सरपंच भाई रामनिवास जी और जोधपुरा के सरपंच बाकी जनप्रतिनिधि ने अपने विचार रखे। हमारे एसपी साहब पधार गए हैं, यहाँ एसडीएम साहब प्रशासन तो यहाँ पहले से बैठा हुआ ही है। देखिए, पहली बार 70 साल के बाद में पहली बार हिमाचल के अंदर पंचायत नहीं बनना, नई पंचायत बनी और पहली बार 70 साल में कोई दलित समाज का कोई व्यक्ति पहली बार सरपंच बना इस पंचायत का। और उस सरपंच ने पंचायत भवन के लिए भी ईमानदारी से, आजकल जनप्रतिनिधियों का बाकी के लोगों का ईमानदार आदमी मिलना मुश्किल हो गया। इस झुंझुनू और गुड्डा रोड के ऊपर जो हमारे सरपंच पति मथुरा प्रसाद जी हैं, इनकी धर्मपत्नी सरपंच है, उन्होंने अपनी बेस कीमती जमीन पंचायत भवन बनाने के लिए डोनेट दी। पंचायत भवन का कार्य काम शुरू किया। पहले देवन से, पहले दिन से सरपंच साहब को, इनकी धर्मपत्नी को एक दिन भी सूख का पानी नहीं पीने दिया गया। पंचायत भवन के अंदर तोड़फोड़ करना, पंचायत भवन के अंदर मोटर उठा ले जाना, रोज सरपंच को जिस तरीके से महिला सरपंच को अपमानित करना, जाति सूचक गालियां देना, और अब हद हो गई कि ये सरपंच एक पांव बेचारे का हाई कोर्ट के अंदर स्टे तुड़वाने में लड़ता है, एक पांव सरपंच का गांव के अंदर, एक दिन ये सरपंच रात को इसने कौन सा पाप कर दिया। शेड्यूल कास्ट की सीट थी और उसके अंदर शेड्यूल कास्ट का सरपंच जनता के भारी बहुमत से आप लोगों ने जिताया। उसके बाद में सरपंच से प्रशासन गांव का सर कैंप लगे, 2.5 साल के इंतजार के बाद, 2.5 साल के अंदर की गांव की जनता के सारे काम, पट्टे बनाना है, किसी की पेंशन है, किसी का बिजली का काम है, किसी का पानी का काम है, किसी का और जिस किसी भी तरह की समस्या है, लगभग एसटीएम कितने डिपार्टमेंट है बढ़िया, 22 डिपार्टमेंट के तहसील लेवल के अधिकारी पूरे जाप्ते के साथ आपके गांव के अंदर, और सारे गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में हो जाएगा इस मानसिकता के साथ ये कैंप। और इस कैंप का रात को भी तरह सरपंच काली रात करके टेंट लगा रहा था सरपंच के, हद तो तब हो गई कि पुलिस की परसेंट में सरपंच के साथ मारपीट हुई, और उसके बाद में पुलिस सरपंच के साथ मारपीट होने, सरपंच पति के साथ मारपीट होने के बाद इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के जान से मारने का प्रयास हुआ। ये साजीवों की नाइन से पृथ्वी मावलिया यहाँ बैठा है, आपके करण जी यहाँ के सरपंच है, अनूप ये देवा यहाँ मौजूद था, सारे लोगों ने इनके सरपंच जी को बड़ी मुश्किल से धक्का देके, और वो तो गाड़ी ने पेंट के सारे पाइप तोड़ दिए गाड़ी चढ़ाकर, सरपंच बड़ी मुश्किल से इन्होंने निकाल देना सरपंच के हाथ। इस टाइम तक सरपंच साहब सरपंच पति मथुरा प्रसाद जी का दाह संस्कार हो चुका होता अभी तक, और अपन सारे लोग बैठने के लिए आते। ये पहली घटना नहीं है सरपंच के साथ, ऐसे मथुरा प्रसाद के साथ 6-7 घटना हो गई अभी तक। कोई जिस तरीके से एसपी साहब, ये हद हो गई कि मुलजिम को पकड़ा गया फिर छोड़ दिया गया। आपके आने से पहले या तो 307 के मुलजिमों को पकड़ के भी छुड़वा दिया जाता था। जिस लेवल पर यह हुआ वो आपके लेवल की बात नहीं है, वो आपसे ऊपर के लेवल की बात है। हद हो गई, क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ ये आज गांव के सारे लोग अपने काम कराने के लिए, प्रशासन गांव के संग आया, कैंप उसमें काम कराने के लिए आए थे, धरने पर बैठने के लिए नहीं आए थे। इनका मकसद यह धरना प्रदर्शन राजनीति करना नहीं था, इनका मकसद था कि हमारी 2 साल से 2.5 साल से जो काम हमारे पेंडिंग पड़े वो काम हमारे यहाँ गांव की गांव में हो जाए, और इसके लिए सारे कैंप शांति से चल रहे थे। लेकिन इस तरीके से आपके एसपी साहब आपके नाक के नीचे
आपके ऑफिस से मात्र 17 किलोमीटर दूर ऑन रोड का ये काम, उसके अंदर इस तरीके से जब गंगा नाथ कुंडे करेंगे, ये सब आदमी की अलग चीज है। उससे पहले गोरिया का सरपंच पवन हुआ, मैं एक बार था उसको, उसको 26 जनवरी के 15 अगस्त के बाद, संजय सबकी बात हुई 15 अगस्त की, 15 अगस्त को उस दलित सरपंच को झंडा नहीं रोहण करने दिया गया, दूसरे लोगों ने लेकर झंडा रोहण कर दिया, दलित सरपंच को झंडा रोहण नहीं करने दिया गया। इधर ये हो रहा है तो मैं कह रहा हूं ये मत सताओ गरीब को, रोते का पता चल गया भगवान को तो चल से खोदेगा कबीरा हाथ, गरीब की कदर निकलता है, मेरे बैल के दाम से लोभ समझ आए। मैं कहना चाहता हूँ इस तरीके से गरीब के जनप्रतिनिधि, इन्होंने एक सरपंच बनने के बाद उसने कम से कम अपने घर से, इस आदमी ने घर से अपने लाखों रुपए लगा के और कोर्टों के मुकदमे लड़ रहे, रोज अपने हाईकोर्ट में तुम आप लोग हिस्से लेने के आ जाते हो, पंचायत में अपनी जमीन दी, कोई जमीन देने के लिए तैयार नहीं था, ये मथुरा प्रसाद दलित स्पेयर वाले ने जमीन दी, रोड पर जमीन दी और पंचायत भवन के लिए, और उसके बाद में हाईकोर्ट के अंदर मुकदमे लड़े, मार खाए, गाड़ी चढ़ाए, इसकी जान लोगे क्या? इसके इसके मारने से क्या तुम्हारा समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? क्या चाहते हो? क्या गुना किया इस बेचारे ने? मैं पूछना चाहता हूँ। और जिस लेवल पर मुझे पता है, हमने ऊपर से बात, मैंने चीफ मुख्यमंत्री जी के अंदर सेक्रेटरी कुलदीप राका से बात कर दी, एडीजी करण से बात हो गई, दूसरे में जाके हम इस बात को रखेंगे। इस दलितों ने ये राज बनाया है, ये इसलिए नहीं बनाया, हद हो गई, एक दिन नहीं दो दिन नहीं, इस सरपंच को पिछले जब से सरपंच का चुनाव हुआ, एक दिन उस महिला को दारू पीपी के लोग पंचायत घर में जाके दलित महिला को गालियां देते हैं, जलील करते हैं, घर में नहीं घुसने देते, किस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं? ये लोकतंत्र है, प्रमुख साहब ने कहा कि जनता के अंदर अपनी बात शालीनता से रखने की बात है, आप अपनी बात, पक्ष विपक्ष होता है, हार को डाइजेस्ट करना सीखो। ये तो बन गया सरपंच, जिंदगी के अंदर 50 साल में दलित तो नहीं आएगा, आप ही बढ़ोगे, उसके बाद में ये करोगे क्या? अभी प्रमुख साहब कह रहे थे यदि ये सरपंच दलित नहीं होता, दूसरा सरपंच होता तो स्टैंड को फाड़ देते क्या? इस तरह के साफ कर लेते क्या? ये दलित होने के साथ इसलिए दूसरा सरपंच होता, यदि आपके समाज का सरपंच होता तो क्या आप इस तरीके से उसके साथ लड़ाई कर लेते क्या? कर लेते क्या? हद हो गई, किसी की नीतीश का अंत होता है, रुई को भी दबाव देता है, उसकी भी सीमा होती है, एक सीमा से ज्यादा कोटल रुई भी नहीं दबती, उसकी भी कैपेसिटी होती है। मैं कहना चाहता हूँ ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसके साथ इसके अंदर आप आश्वस्त करो। और कलेक्टर साहब को मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश, अरे हम चुनाव लड़ते हैं, जिस बूथ के अंदर मशीन खराब हो जाती है, सबसे पहले हम वहां पूछते हैं कि यार मशीन खराब कैसे होगी, वोट कैसे नहीं पड़ रही। कलेक्टर साहब अल्सिसन में क्या कर रहे थे, तो बूथ की मशीन तो इसकी खराब हो गई, यहाँ आना चाहिए था उनको, अल्सिसन में क्या कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसमें जो भी पुलिस के अधिकारी जो मैंने उसको पकड़ने के बाद छोड़ा, उनको लाइव हासिल कीजिए, इसमें क्या कोई भी इसमें क्या लेना देना, आगे से सबक मिले, बदमाशी करने वाले मांगने डालो, ये बात है। तो हमारी कोई नौकरी नहीं मांग रहे, कोई मुआवजा नहीं मांग रहे, हम और कुछ नहीं मांग रहे न्याय के लिए, अब दूसरे साथ में और काम करेगा आपके लिए। धन्यवाद। Gracias.